प्रदेश में वक्फ बोर्ड रूल 2014 के विरोध में किराएदार आए दिन धरना प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। इसी के चलते रेवाड़ी में भी वक्फ बोर्ड किराएदारों ने भूख हड़ताल कर सरकार से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से ये काला कानून वापस लेकर उन्हें जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। और हम इस काले कानून के विरोध में पिछले 3 माह से विभिन्न रूप से प्रदर्शन कर चुके हैं और ऐतिहासिक बाजार बंद भी हो चुका है और रेवाड़ी शहर के व्यापारियों ने, सामाजिक संगठनों ने हमारे विरोध पर मोहर लगा दी है कि वास्तव में ही ये कानून गलत बना दिया और जल्दबाजी में बना दिया गया है। और इनका जो वक्फ बोर्ड का एक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है इम्तियाज खिजर, उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड अपने बयान में कहा है कि ये कानून जल्दबाजी में बन गया, इसमें संशोधन की आवश्यकता है और इससे भाईचारा खत्म हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इम्तियाज खिजर कह रहा है जो इनका अधिकारी है। वही बात हम कह रहे हैं कि सरकार ने क्या सोच के ये कानून बनाया है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि कम से कम ये तो देखते कि भाई ये जो कानून बना रहे हैं, आपको लोग चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर, आपको जनता के हित के कानून बनाने चाहिए, आप तो एक कानून जनता के विरोध में बना रहे हैं। रेवाड़ी से अजा टीवी न्यूज़ के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।